भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। 18 पुराणों में भविष्य पुराण की चर्चा आती है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना चाहिए, पुराणों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। पुराण किसको कहते हैं? ऐतिहासिक घटनाक्रम, राजा महाराजाओं के इतिहास हैं। और व्यास जी के नाम से 18 पुराण बनाए हुए कहे जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि व्यास एक उपाधि है। इतिहास में कई घटनाएं मिलती हैं आपको, आपने जनक का इतिहास सुना होगा, सीता के पिताजी हैं राजा जनक, और जनक के पास सुखदेव जी भी जाते हैं। तो सीता जी जिस समय थी और सुखदेव जी जिस समय थे, दोनों के बीच में 16 लाख वर्ष का अंतर होता है, तो क्या जनक की उम्र 16 साल हो गई? ये तो कोई भी नहीं मानेगा। सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति 16 लाख साल तक जिंदा रह जाए, कभी भी संभव नहीं है। का अर्थ क्या है? जनक एक उपाधि है। जिसे आज भी देखिए, आज से लगभग 2200 वर्ष पहले शंकराचार्य हुए थे। शंकराचार्य की गादी पर आज भी जो बैठता है वो शंकराचार्य ही कहलाता है। आदि शंकराचार्य के सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति शंकराचार्य कहलाता है। उसी तरह मिथिला राज्य में जितने भी राजा हुए सबको जनक कहा जाता था। विश्वामित्र उपाधि है, वशिष्ठ उपाधि है। आपने सुना होगा विश्वामित्र या वशिष्ठ हरिश्चंद्र के समय में भी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय में भी, दोनों में कई पीढ़ियां बीत जाती है। इसमें चारों युगों के राजाओं का वर्णन है। इस पहले प्रकरण में विशेष रूप से यह बात दर्शाई गई है कि जब औरंगजेब का राज्य होगा तब विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा, और इसके बीच में चारों युगों के राजाओं का वृतांत दिया गया है। राजा किसको कहते हैं? राजा का अर्थ होता है विशिष्ट। राजा यानी प्रकाशमान, जो अपनी विशिष्टता से प्रकाशित हो रहा हो उसको राजा कहते हैं। सामान्यतः जनभाषा में राजा किसको कहते हैं? जिसके सिर पर सोने का मुकुट हो, सेना हो, उसकी सभा लगती हो, सभी मनुष्यों का वो स्वामी कहलाता हो, वो सामान्य रूप में उसको राजा कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अन्न का भी राजा होता है, चना फल का राजा होता है, वृक्षों का कोई राजा होता है, पक्षियों का राजा होता है। उसी तरह से यहाँ जो राजाओं की गणना की गई है उसका अर्थ केवल राजा नहीं समझना चाहिए। इसमें कहीं देवताओं का नाम लिया गया है, कहीं ऋषि मुनियों का नाम लिया गया है, कहीं असुरों का नाम लिया गया है। ब्रह्मा जी किसके राजा थे? ब्रह्मा तो सृष्टि के प्रारंभ में हुए थे, ब्रह्मा जी कोई राजा नहीं है। इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। और जो राजाओं का जो गणना काल है वो खिचड़ी है। हमें चौपाई में जो राजाओं के नाम आए हैं उसका भावार्थ लेना होगा, शब्दार्थ लेंगे तो भटक जाएंगे। जैसे 14 मन्वंतर होते हैं, एक कल्प में 14 मन्वंतर होते हैं। पहला मन्वंतर है स्वयंभू मन्वंतर। आज जो मन्वंतर चल रहा है वह वैवस्वत मन्वंतर कहलाता है। ये जो राजाओं की जो गणना दी गई है, कुछ स्वयंभू मन्वंतर के राजाओं की गणना है और कुछ इस मन्वंतर के राजाओं की गणना है। इस 28वें कलयुग में 28वां कलयुग, 28वां त्रेता, 28वां सतयुग और 28वें द्वापर में जितने राजा आए हैं उनका मुख्य मुख्य जो व्यक्तित्व हुए हैं उनका नाम लिया गया है। लेकिन आप देखेंगे ध्रुव और प्रहलाद की जो ध्रुव और उत्तानपाद जो उनके पिता हैं उनकी जो कहानी है स्वयंभू मन्वंतर की है, इस मन्वंतर की नहीं। इस मन्वंतर में तो 12 करोड़ साल से अधिक बीत चुके हैं। ये जो मन्वंतर चल रहा है
पहले मन्वंतर से लेकर अब तक 1,96,08,53,115 वर्ष हो चुके हैं। 43,20,000 वर्षों की चतुर्युगी होती है। कलयुग द्वापर त्रेता और सतयुग, ये चार युग होते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? कले सयानुभवत ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में कल चारों युगों की व्याख्या है। कले सयानो भवति संजिहानः तु द्वापर उत्तिष्ठ भवति त्रेता धावमान कृतयुगम। जब मनुष्य अज्ञानता की नींद में सो रहा होता है तो क्या है? कलयुग। उठ करके बैठ जाता है तो है द्वापर, खड़ा हो जाता है तो है त्रेता, और जब सत्य की ओर तरफ चल पड़ता है तो उसको कहते हैं सतयुग। चारों युगों में अलग अलग प्रवृत्ति होती है। सतयुग में सत्य तप ज्ञान धर्म के चारों चरण दृढ़ता से खड़े होते हैं। त्रेता में सत्य हट गया होता है, तप ज्ञान और कर्म रहता है। द्वापर में धर्म केवल दो चरणों पर आश्रित रहता है, और कलयुग में केवल कर्म, न सत्य होता है न तप होता है न ज्ञान होता है।